हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। महाराष्ट्र के ठाणे में भाजपा नेता के घर से 180 तरह के हथियार बरामद किए गए हैं। उसमें तलवार, खुकरी और गन आदि शामिल हैं। कल्याण क्राइम ब्रांच ने खुफिया सूचना के आधार पर भाजपा नेता की शॉप में रेड मारी तो अधिकारी सन्न रह गए। 49 साल के धनंजय कुलकर्णी कल्याण से भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उसके पास से 180 तरह के खतरनाक हथियार जब्त किए गए हैं, जिसमें तलवार, गन फाइटर, खुकरी आदि शामिल है। मनपाड़ा रोड पर तपस्या हाउस ऑफ फैशन शॉप के नाम की आड़ में हथियार की खरीद फरोख्त का काम किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार भाजपा नेता ये सारे हथियार यूपी और बिहार से मंगवाता था। सवाल ये उठता है, सब्जी काटने वाले चाकू को तलवार बताकर तथा ट्रैक्टर की हाइड्रोलिंग को रॉकेट लॉन्च बताकर और लोहे के चूरे को बारूद बताकर मुसलमान युवकों पर आतंकवादी का थप्पा लगाने वाली एनआईए इस गौरसेवादी को आतंकवादी बोलने की जहमत उठा पाएगी? इससे पहले भी सनातन संस्था के पास गाड़ी भरकर हथियार बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इन्हें आतंकवादी संगठनों से नहीं जोड़ा, क्योंकि ये उन्हीं एजेंसियों के नाम वाले अधिकारी से मिलते जुलते हैं। खतौली से भाजपा के विधायक विक्रम सैनी हिंदुस्तान में डर महसूस करने वाले व्यक्तियों को बम से उड़ाने की धमकी देता है। किसी एजेंसी ने उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, किसी डिपार्टमेंट ने एफआईआर दर्ज नहीं की और उसके घर की तलाशी नहीं ली, किसी आतंकवादी संगठन से नहीं जोड़ा, क्योंकि विधायक जी सत्ताधारी पार्टी के माननीय हैं। क्राइम ब्रांच को हथियारों की इतनी बड़ी खेप की जानकारी तब मिली जब पिछले हफ्ते पुलिस ने डकैती के आरोप में दो वंचित आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने जानकारी दी थी कि उनके पास से जो हथियार मिले हैं उन्होंने उसे बीजेपी नेता की दुकान से खरीदा था। यह भी पता चला कि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और कल्याण के आसपास के इलाकों के अपराधी वहीं से हथियार खरीदते हैं। बीजेपी नेता की दुकान में हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मिलने से पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। अब इस पूरे मामले में बीजेपी बैकफुट पर है।